आफ्टर दिव्या अग्रवाल एंड शमिता शेट्टी, क्या करण नाथ और जीशान खान आ गए हैं प्रतीक सहजभाल के टारगेट पर? क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। कल ही के दिन तो दिव्या अग्रवाल, करण नाथ और उर्फी जावेद ये डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से प्रतीक सहजपाल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि वो किसी ना किसी को टारगेट पर लेकर उसको इस लेवल तक परेशान करेंगे कि वो भी लाइमलाइट में आते रहें और उनके बारे में चर्चाएं खत्म ही ना हो, चाहे गुड चर्चा हो या बैड चर्चा हो। बिग बॉस में चर्चा होना ऑलवेज बेनिफिट्स यू। ऐसे में प्रतीक सहजपाल की स्ट्रैटेजी काफी हद तक काम भी कर रही है। जहां पहले उन्होंने दिव्या को आड़े हाथों लिया, तो उसके बाद शमिता शेट्टी को उन्होंने अपने आड़े हाथों लिया, और अब जो है करण नाथ और जीशान खान को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रतीक सहजपाल। जी हाँ, घर से ये खबरें आ रही हैं, घर से ये पिक्चर्स, लाइव पिक्चर्स जो है सामने आ रही हैं, जिसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से जीशान खान के साथ वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जीशान खान के गाल पर उनका हाथ भी है, विच मीन्स ही माइट हैव स्लैप्ड, लेकिन हालांकि वायलेंस अलाउड नहीं होता है, तो हो सकता है कि उनका जो है हाथ पुश में लग रहा हो या जो भी है, अभी क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा है। वहीं करण नाथ के साथ भी उनकी वर्बल स्पैट शुरू हो चुकी है। शमिता शेट्टी के साथ तो वर्बल स्पैट में वो पड़ ही गए थे, और शमिता शेट्टी की जब लड़ाई हो रही थी, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरीके से करण नाथ भी शमिता के डिफेंस में खड़े हुए थे। बट नाउ वी आर सीइंग हाउ जीशान खान और करण नाथ अलग अलग से जो है प्रतीक सहजपाल से भिड़ पड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बारे में, इन हाई वोल्टेज फाइट्स के बारे में जो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में शुरू हो चुकी हैं? लिखकर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ जुड़े रहिए, कई सारी खबरें हैं, लगातार ऐसी आप तक पहुंचाते रहेंगे।